thank you मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो so, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस पापा के ऊपर में हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं मॉर्निंग के पांच बजे के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड करंट अफेयर से so, जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस एस बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है तो आपका स्वागत है तो आइए देखते हैं मॉर्निंग के करंट अफेयर में आज क्या क्या है तो पहला क्वेश्चन है क्या वो बताना है कि किस मिशन सर, स्पेस मिशन या सैटेलाइट ने जो इसरो का है उसने डिटेक्ट कर लिया है सोलर प्रोटॉन इवेंट्स को पहली बार तो इसका आंसर है चंद्रयान टू जी हाँ दोस्तों चंद्रयान टू ने डिटेक्ट कर लिया है एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा ठीक है जो एक प्रोटॉन इवेंट है और ये एक तरह का एक्सप्लोरेशन है ह्यूमन का स्पेस में है और इससे क्या फ़ायदे नुकसान है इसके ये फायदे हो सकते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर डिडेट करते हैं तो उसके ये फायदा कि ये पहला अचीवमेंट हमारे नाम होगा ठीक तो है इंडिया का इससे नाम होगा दूसरी इसरो की जो क्षमता है उस वो प्रदर्शित होगी कि इसरो कितना कैपेबल है इन कंपेरिजन ऑफ अदर कंपनीज जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं साथ ही साथ इसमें इंडिया का भी ये भी स्टैंड रह सकता है कि इस जो ये बेनिफिट है इसमें भागीदारी और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एक तरह का बहुत सारे फायदे बहुत सारे नुकसान है आज मैंने यह तय किया है कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा तो कुछ डिटेल भी बताने की कोशिश करूंगा चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या है तो आपको बताना है कि किस इंस्टीट्यूशन के साथ अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है किसने नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर ने किसके ऊपर सस्टेनेबल सिटीज इंडियन प्रोग्राम के अंदर में तो इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जी हाँ दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ अभी मिलकर मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यानी एक तरह का कोलेब्रेशन हुआ है कौन किया है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर ने किसके ऊपर सस्टेनेबल सिटीज इंडियन प्रोग्राम के अंदर में ठीक है एक तरह का एक ज्वाइंटली डिजाइन प्रोजेक्ट है जिसका एम क्या है इनेबलिंग एनवायरमेंट को करना जो जनरेट करे क्या करे डी कार्बनइेशन सोल्यूशन ढूंढे एनर्जी यूज करे मतलब एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना जो ऑलमोस्ट सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को प्रमोट करे जैसा कि आपको पता है कि पैरिस जो हम लोग का पैरिस क्लाइमेट डील है उसमें यह बात किया कि इंडिया दो हजार सत्तर तक नेट कार्बन एमिशन जीरो कर देगा नेट कार्बन एमिशन जीरो का मतलब क्या है जितना कार्बन हम लोग निकालेंगे उतना ही पेड़ लगा के उसे एबजॉर्व कर लेंगे तो चलो ये एडिशनल है आपके लिए ठीक है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये आप spheres, ये एक तरह को कोई चीज है जो फार फ्रॉम मून से जो दूर दिखता है एक तरह का कोई पता नहीं है मेरे को भी ठीक से इसकी जानकारी नहीं है ये, क्योंकि साइंटिफिक चीज है ठीक है तो जो टू ग्लास स्पेयर होता है ना एक तरह के डिजाइन जो देख सकते हो जो आसमान में नहीं डिजाइन वगैरह बनता है वैसा तो वो किसने ढूंढ लिया है तो इसका आंसर है चाइना ने ढूंढ लिया है ठीक right तो चाइन, है ना राम मोहन शोहन सीता इनके यहाँ जिंग युग मतलब क्या ही है भाई <laughs> चलो तो टू ग्लास ने इसने ढूंढ लिया है चलो अच्छी बात है चाइना के लिए एक नया कुछ काम का कुछ किया जैसे दूसरों को नुकसान ना हो रहा हो

इंडिया चेस फेडरेशन जो भगत सिंह है वो क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फिफ्टी एट सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप ट्वेंटी कानपुर में ठीक है और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वन एटी फोर प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्वेंटी थ्री ग्रैंड मास्टर्स कर रहे हैं तीस इंटरनेशनल मास्टर्स कर रहे हैं इस फील्ड के इससे क्या होगा इसलिए हम लोग नेशनल इंस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स दिखा सकते हैं चेस में क्या भागीदारी इंडिया की ये दिखा सकते हैं साथ ही साथ हम लोग चीजें सीख सकते हैं इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं जो लोग चेस से वंचित हो उनको अवेयर कर सकते हैं साथ ही साथ तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऐसे इंट्रा इंट्राकॉम्पिटिशन से मैं क्वेश्चन इसके ऊपर आपको दे रहा हूँ मेन्स का कि ऐसे इंट्रा कॉम्पिटिशन से बताना है कि हम लोग जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें कैसे अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं आपको पता होगा कि इंडिया का गोल्ड मेडल बहुत ही कम है ठीक है बहुत ही कम भागीदारी गोल्ड मेडल्स के मामले में इंडिया का तो जहाँ पे आपका जर्मनी चाइना ऐसे कंट्रीज जो वो टॉप थ्री में बने रहते हैं तो उनका क्या है कि वो गेम वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ऊपर है साथ ही साथ ऐसे साइंटिफिक क्षेत्रों में भी ऊपर है तो आपको बताना है कि हमारे क्या क्या कमियाज हैं और हमको क्या क्या ठीक करना है साथ ही साथ आपको आंसर में ये दिखाना है कि गवर्नमेंट कौन कौन सा इनिशिएटिव ले रही है जो इस तरह के गेम्स को प्रमोट करने से हम लोग ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं पचवा क्वेश्चन ये लीजिए पचवा क्वेश्चन क्या आपके सामने कि आपको बताना है देवा या तनम जो एक तरह का इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है उसका कॉन्फ्रेंस कहाँ उसका वेन्यू कहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस तो है हम्पी हम्पी के अंदर में है ठीक है एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ठीक है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किसके अंदर सॉरी हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके अंदर में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ठीक है जो दिव्यांतम एक तरह का ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड करा रहा है जो बताएगा किसके बारे में जो हाईलाइट करेगा आपका रिलीजियन साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक टेक्निकल साइंटिफिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर आस्पेक्ट जो टेंपल्स का रहता है टेंपल्स के माध्यम से क्योंकि टेंपल के पीछे क्या साइंस है क्या धार्मिक चीज़ें छुपी हुई है वहाँ पे अगर लोग विजिट करेंगे तो उससे इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा तो ये सब चीज़ के बारे में बता रहे एक इम्पोर्टेंस बताना चाहता है जो हेरिटेज हम लोग का कल्चर है चाहे वो टेम्पल्स के मामले में हो या किसी चीज़ के मामले में तो इस तरह की चीज़ों में हम लोग प्रमोशन से क्या कर सकते हैं इन सारे क्षेत्रों में अच्छा लाभ कर सकते हैं तो जी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के कौन अभी चेयरमैन है तो इसका आंसर है जी कृष्णा रेड्डी जी जो अभी ये इनोग्रेट किया उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस को इसके ऊपर भी मेन्स का यही ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि जो हम लोग का कल्चर है ठीक है आपको ये हाईलाइट करना है कि हम लोग का जो कल्चर है इंडिया का जो इतना डाइवर्स डाइवर्सिफाई कल्चर है उसका क्या महत्व है मॉडर्न जमाने के अंदर में क्योंकि कहीं ना कहीं वो खत्म होते जा रहा है ठीक है जो क्वेश्चन बोल रहा हूं बेटा वो उस पर आंसर राइटिंग किया करो ताकि तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस इससे क्या होगा तुम कुछ स्कीम्स जानोगे इसके क्या बेनिफिट होंगे ऐसे कल्चर को प्रमोट करने से इथिक्स पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मोरल बढ़ता है आप दूसरों को बताते हैं अपने कल्चर के बारे में इकोनॉमी को फायदा होती है तो इस तरह के चीजों पे ध्यान दो ठीक है तो मॉर्निंग के पांच बजे के करंट अफेयर क्वेश्चन खत्म होते हैं अगर अच्छा लगा है लाइक से कर दो इतनी मेहनत कर रहा हूं योजना सीरीज चल रही है आई बटन के पास देखो लिंक मिल रहा है देखना जाके जो योजना चाहते हो क्लियर करो मैं बैक टू बैक योजना सीरीज ला रहा हूं आप लोग क्लियर और स्पेशल क्लास भी करवा रहा हूं ठीक है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन दबा देना ताकि तुम्हें मेरे हर वीडियोस क्लास की जानकारी सब ऑन टाइम मिलते रहे ठीक है चलो तुम लोग का पीटीआर है ऑल द बेस्ट क्वेश्चन भी डाल रहा हूं देखो जाके चारों पेपर से जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू जीएस पेपर थ्री जीएस पेपर फोर से ठीक है तो देखो और अच्छे से तैयारी करो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो जय हिंद जय जै भारत